तो ये सामने चिचम बीच से जस्ट हम ऊपर आए, पिक्चर्स खिंचवाई और वापस निकल रहे, बस पिक्चर ले रहे। तो ये कुछ ऐसा भी चिचम बीच का। गुड मॉर्निंग गाइस, और आज है डे 4। अभी हम हैं काजा में, हमारा दूसरा रूम है। एक रूम तो मैंने कल आपको दिखाया था और ये दूसरा है। तो ठीक है, अच्छा रूम था पर पानी की बहुत कमी है यहाँ पे, क्योंकि बर्फ़ सारी जमी हुई है यहाँ पे। और दूसरा रूम ये था, और एक स्पेस ये था ऐसा कुछ। तो बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ आपको, बाहर का व्यू कैसा है जहाँ हम रुके थे, हमारे यहाँ से कैसा व्यू दिखता है एकदम उसका। तो ये है जस्ट बाहर से घर, अपने रूम से बाहर निकलते कुछ ऐसा व्यू है। और क्या व्यू है, पूरी बर्फ जमी हुई बाहर तक, पूरी बर्फ है, पूरी बर्फ। क्या व्यू है भाई, क्या व्यू, पूरी एकदम बर्फ जमी हुई है यहाँ पे बिल्कुल। अभी पानी में, अभी बाल्टी में पानी लेके आया, पूरा बर्फ जम, पूरी पूरा बर्फ में जम गया। ये है काजा गांव पूरा। हम जैसे एंट्रेंस पे, हम तो एंट्रेंस पे रुक गए यहीं पे, और एंट्रेंस से आगे और भी है यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके। ये कुछ ऐसा है पीछे सामने, बैक का व्यू। तो भाई होटल बहुत, मतलब जी था, होम स्टे बहुत अच्छा था। यहाँ से निकलेंगे हम, थोड़ी देर आगे पहुँचते हैं, और खतरनाक भी है, खतरनाक भी। यहाँ से निकलेंगे हम चीचम ब्रिज के लिए। चीचम ब्रिज थोड़ा सा आगे, थोड़ा स्लिपरी बता रहे हैं वहाँ पे। तो अच्छा है बहुत, मतलब ठंड भी है पर लग नहीं रही ज़्यादा ठंड, पर है ठंड, काफ़ी ठंड है। मतलब -10 तक टेम्परेचर गया हुआ था यहाँ रात को। तो ठीक है, यहाँ से निकलते हैं, बाकी बहुत अच्छा व्यू आ सकते हो बाइक से, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पेट्रोल पम्प भी है। पहले तो ये बता रही है पेट्रोल पम्प नहीं, पर रात को लगा कि यहाँ पेट्रोल पम्प है 1 किलोमीटर आगे। तो पेट्रोल पम्प के लिए चलते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, गाड़ी वाड़ी स्टार्ट करते हैं। गाड़ी तो हो गई, वैसे कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। बस बहुत अच्छा व्यू आ रहा है भाई, बहुत अच्छा। तो भाई चले स्पीति के बारे में कुछ बताऊं आपको। स्पीति को कहते हैं मिडिल ऑफ लैंड, क्योंकि ये तिब्बत और इंडिया के बीच में है, बिल्कुल बीच में, और चाइना के बॉर्डर रहता है फिर, क्योंकि चाइना ने भी कवर कर रखा है तिब्बत पूरा। तो स्पीति का कुछ सीन ऐसा है। और स्पीति से अभी रूट बंद है मनाली वाले, तो हमें वापस रिटर्न होके जिस रूट से हम सेम आए थे, वही रामपुर होते हुए, शिमला होते हुए वापस निकलेंगे हम लोग नागू टापू होते हुए। तो अब जाते हैं चिचम ब्रिज की तरफ। और ये था हमारा हॉस्टल, यहाँ रुके थे हम। जस्ट ये गेट है, इस गेट के पास में ही है, हाँ तेल लेना है, इस गेट के जस्ट पास में एंट्रेंस पे है। ठीक था रूम, बढ़िया था, पर आज बुकिंग है, सामान वामान रख दिया हमने वैसे यहाँ पे साइड में कहीं, इनके रूम में रख दिया जो ये काम करता है यहाँ पे। और ये है खूबसूरती काजा की। वाह भाई वाह, यहाँ पूरी बर्फ जमी हुई है, नदी जा रही है उस साइड, ये साइड वैसे ही है नॉर्मल, पर उस साइड नदी है। ये भाई अगर मिला बीच में मेरठ का बंदा है, तो भाई हमारे साथ ही जाएगा वापस भी। दोस्तल वहां से होगी एंट्री। तो ये है काजा का बस स्टैंड के लिए रोड जाता है ऊपर की तरफ, और यही पेट्रोल पंप है। नीचे गए थे, हाँ और ये पार्किंग एरिया पूरा वहाँ पे।
यार ये देखो भाई सामने क्या व्यू है, पूरी बर्फ से ढके हुए पहाड़। तो पेट्रोल डलवाते हैं। कॉलेज से आगे निकलते हैं, 17 किलोमीटर के करीब है यहाँ से चीचम ब्रिज। तो चीचम ब्रिज का मौसम भाई ने बताया है, तो हमारे साथ जा रहा है कि थोड़ा बिगड़ा हुआ मौसम है, बाकी वहाँ देखते जाके। नदी भरी नदी बस सोचा था वहां उधर बोला रात को, तो कुछ वीडियो में ज़्यादा दिखा नहीं पाया था क्योंकि अंधेरा काफ़ी था, तो कुछ दिख नहीं पाया होगा शायद व्यू आपको भी। तो अभी सुबह का कुछ ऐसा ही व्यू है। ये काजल से और आगे है 17 किलोमीटर चीचम ब्रिज। तो थोड़े बहुत आइस आते हुए रोड पे और बहुत ही आराम से हम अपनी बाइक को चलाते हुए यहाँ पे। क्या व्यू है भाई, क्या जमी हुई है एकदम, बिल्कुल सारी बर्फ, नदियाँ जम रही है बिल्कुल। जैसे ही गर्मी आएगी, इतनी गर्मी आएगी चाहे कितनी भयंकर पानी निकलेगा इसमें, यहाँ से भयंकर ही पानी, खतरनाक वाला पानी निकलेगा यहाँ से। जब इसमें गर्मी आएगी एकदम भयंकर, धूप पड़ेगी इनके ऊपर, अभी तो चिल्ड ठंडा एकदम चिल्ड वाली। यहाँ के कुत्ते भी बालू जैसे हो रहे हैं एकदम, बिल्कुल उनके बड़े बड़े बाल रहते हैं क्योंकि ठंड के कारण। भीड़ वाले तो पेट चला रहे हैं, अपना खाना ही बना रहे शायद, यहाँ शायद ये रोड ही भी साफ कर रहे हैं। ऊपर की तरफ चढ़ते हुए और किसी 6 किलोमीटर देखो पूरी बर्फ जमी है। आपकी और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी पहले मैंने देखी है, कई कई वीडियोस में देखी है, उसके हिसाब से कम है। हम जिसके लिए आए थे वो मकसद पूरा हो गया हमारा, विंटर स्पीति राइड। खतरनाक प्रूफ जो है भाई, वहाँ से आ रहे हो फीचर से बिल्कुल एकदम। पानी की भी क्या महिमा है बताओ, बर्फ का पानी बन के निकलता है एकदम। और जब भी साथ आते हैं डायमंड्स को ले जाओ, थोड़े से ऑक्सीजन की कमी तो पूरी कर देगा, साथ में कपूर उपूर भी ले आओ, जो पूजा वाला कपूर होता है तो उसको अगर सुनते रहोगे तो उससे थोड़ा टेम्परेचर आओगेगा। आ रहा है सामने का एकदम, ये शायद किसी गांव है, पंचायत किब्बर। अच्छा किब्बर में आ गए, किब्बर आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो वही फाइनली किब्बर ही पहुंच चुके हम। बुद्धिस्ट है सारे, बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट है ना, ओल्ड एज होम स्पीति की, ओल्ड एज होम बना रखा भैया। आराम से लो भाई, यहाँ पे क्या पानी के रूप में बर्फ है, यहाँ पतली लेयर एकदम। ये भाई बताओ वापस लिफ्ट फॉर्म के नीचे गया था, फिर वापस से जा रहा है।
थोड़ा है भाई भी, डूड है भाई भी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए सचिन को नोमैड, लेटेस्ट अपडेट मिलेगी। यूट्यूब चैनल है गो नोमैड, तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके शेयर करो उसके, और अपनी राय रखिए क्या गलत किया मैंने इस राइड में और क्या इम्प्रूवमेंट मुझे करने चाहिए थे। और लोगों का प्यार बना रहेगा तो भाई मैं और वीडियो लाऊंगा बढ़िया बढ़िया। ये है रुई वाली बर्फ एकदम है भाई साहब। और ये देख भाई, ये है रुई की बर्फ वाली भाई साहब, है रुई ये है भाई असली। देखो ऊपर देख कितनी बड़े लेयर लग रही है निकालियो, ये करियो या, अरे वाह। तो भाई ये है बर्फ जमी हुई लेटे, ये है पानी वाली एकदम। अपनी गाड़ी एकदम सीधी रखो बस, ये खतरनाक। फर्स्ट गियर में चलाओ आराम से बिल्कुल लाइट करके, और ना ब्रेक दबाओ भाई, जो तो काम सही है। टंकी खड़ी कर दिया, दो गाड़ी आ रही है। अच्छा फंस रही है, लिया लिया भाई पीछे लिया, निकाल लेगा निकाल लेगा आराम से। ये कौन है, ये लोकल ही है क्या? आराम से निकालो यार, धीरे 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 धीरे, आराम आराम से आराम आराम से आराम आराम से। इधर से लो, इधर से लो, सही है, आराम आराम से आराम आराम से आराम आराम से। भाई इधर उधर लूंगा ना, बैलेंस पकड़ो, तो भाई कुछ ऐसी कुछ भी कहो पर मज़ा आ गया इस ट्रिप में। इतना लद्दाख में नहीं आया मज़ा, इतना लद्दाख में मज़ा नहीं आया जितना इसमें आया। पर लद्दाख थोड़ा डिफरेंट है, वो अलग तरह से रूट है उसका, इसका अलग तरह से अलग तरीके से रूट है। ये आई थिंक चीचम ब्रिज ही है, बहुत धीरे 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 बर्फ जमी हुई भाई। तो ये चीचम ब्रिज है भाई, इसको देखने के लिए आए हम। ये है चीचम ब्रिज,
कैसे बनाया हुआ बिल्कुल एकदम, कितने हार्ड कोर तरीके से बनाया हुआ इसे। तो ये है गाइस चिचन ब्रिज से वाटर, पुल के ऊपर गाड़ी मत खड़ी करिए। तो ये है भाई, ये है भाई चिचम, इसी को देखने आता हूँ यहाँ। एक समय से एक ही मान पा करे पुल के ऊपर गाड़ी खड़ी ना करे। तो भाई ऐसा कुछ है सीन, भाई फोटो खींचेंगे बढ़िया बढ़िया। तो फोटो खिंचाते हैं फिर चलते हैं। तो ये है चिचम ब्रिज, यहाँ ले लिए एक दो शॉट्स पिक्चर। ऑफिस उसी रास्ते जाते हैं जहाँ पीछे घूम आया था, वहाँ तक चलेंगे, फिर वहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे। यहाँ तो हाफ के लिए तान में पड़ी क्योंकि गाड़ी उठ नहीं रही बिल्कुल भी। चलो एक बार ऊपर चल के, ऊपर क्या है, वाह भाई क्या व्यू है ना, और अच्छी खासी रोड बनी है यहाँ तो, खतरनाक खाई हमारे लेफ्ट साइड में, तो हम राइट साइड रख के गाड़ी चलाएंगे अपनी बाइक। और इधर को बिल्कुल प्योर आइस, वहाँ भी वहाँ क्या स्नो है। तो ये सामने चिचम ब्रिज, चिचम ब्रिज से जस्ट हम ऊपर आए, पिक्चर्स खिंचवाई और वापस निकल रहे, बस पिक्चर ले आते। तो ये कुछ ऐसा भी चिचम ब्रिज का बहुत खतरनाक बना रखा है, नीचे वाले को खाई एकदम स्नो फॉल होते हुए। और हम निकलते हैं यहाँ से, वही रूट है जिससे भी हम गए थे, तो आराम आराम से निकालो भाई साहब। बड़ी स्लिपरी है, एक तो वो है की ऑनेस्ट्री और वहां हम पहुंचने वाले। अरे 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 भाई क्या धीरे और आराम से देख के। तो ये है कि वो इसके सामने और भाई बच गया, जैसे उतरा इस स्पीड से आता था भाई, लगी तो नहीं है पर बच गया। ठीक है भाई साहब की वो स्ट्री हम एंटर करते हुए की मोनिस्ट्री से जाके फिर वापस हम काजा में आ गए। और अब यही कि वापस निकलते हैं अपने वापस घर की तरफ। तो घर घर है यद नाको टापू, जहाँ तक हो तक पॉसिबल नाको तक पहुँचते हैं। ऊपर स्नोफॉल होती है और जहाँ कल हमने थोड़ी देर बैठे थे वहीं पे हम बैठे, थोड़ी नाश्ता वास्ता करते हैं, ये नाश्ता ब्रेकफास्ट जो भी होता है। सुबह से कुछ नहीं खाया, अरे ये फिर आ गया भाई।